जय श्री महाकाल। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर की टॉपिक कॉम्पैक्ट डिस्क एवं डिजिटल वीडियो डिस्क से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD किस प्रकार की मेमोरी है? राइट आंसर है ए नंबर, रीड ओनली मेमोरी। CD पर डेटा लिखने व पढ़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यदि राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर है बी नंबर, लेज़र। CD की स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी होती है? राइट आंसर है डी नंबर, 700 MB से 847 MB। CD कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार अमेरिका में किस वैज्ञानिक ने किया था? राइट आंसर है जेम्स टी रूसेल। अधिकतर CD जिस प्लास्टिक के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सी नंबर, पॉलीकार्बोनेट। CD में सूचनाएं पढ़ने के लिए जो ड्राइव उपयोग में लाई जाती है उसे कहा जाता है? CD में सूचनाएं पढ़ने के लिए जो ड्राइव उपयोग में लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? डी नंबर, CD-ROM ड्राइव। CD की सबसे निचली परत जहां डेटा को इनकोड किया जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। पॉलीकार्बोनेट परत। निम्न में से किसमें बर्न किए हुए डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं? सी नंबर, CD और DVD। CD रीराइटेबल डिस्क में कितनी बार डेटा को कॉपी किया जा सकता है? राइट आंसर है जितनी बार यूजर चाहे, डी नंबर। CD का व्यास कितना होता है? राइट आंसर है ए नंबर, 12 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन CD के अन्य परिष्कृत रूप में भी प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है सी नंबर, DVD। डिजिटल वीडियो डिस्क को सोनी, पैनासोनिक तथा सैमसंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? ए नंबर, 1995 में। DVD के प्रत्येक सेक्टर में खालिस्थान बाइट के डेटा होते हैं। राइट आंसर है बी नंबर, 2418 बाइट्स डेटा होते हैं। DVD के डबल साइड सिंगल लेयर की क्षमता कितनी होती है? राइट आंसर है डी नंबर, 9.4 GB। DVD अधिकतम कितना डेटा स्टोर कर सकती है? ए नंबर, 17.08 GB। DVD के किस प्रकार में लगभग 4.38 GB डेटा स्टोर होता है? बी नंबर, DVD-ROM में।
डीवीडी में डेटा स्टोर करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? सी नंबर बर्निंग। मूवी और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीवीडी। डीवीडी हायर डेंसिटी रिकॉर्डिंग और रीडिंग के लिए लेजर की खालिस्तान का प्रयोग करती है। शॉर्ट वेव। डीवीडी में निम्नलिखित में से किस कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर MPEG 2। डीवीडी में लगभग कितने GB डेटा स्टोर कर सकते हैं? 4.38 GB। डीवीडी एक में खालिस्तान MIB प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर DVD 18 MIB प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। ए नंबर 6.92। DVD में CD की तुलना में कितनी ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी होती है? 6 गुना। CD में HD रिजोल्यूशन खालिस्तान पिक्सल होता है, जबकि DVD में खालिस्तान पिक्सल्स होते हैं। बी नंबर 85,000 इसमें होगा, 85,000 इसमें होगा और 2 मिलियन DVD में होगा। CD खालिस्तान लेयर का प्रयोग करती है, जबकि DVD खालिस्तान लेयर का प्रयोग करती है। CD एक लेयर का और DVD 2 लेयर का। राइट आंसर बी नंबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।